सा है। मिल्क वेन काफ़ी अच्छी दिखा रही है, रंग रूप प्यारा है भाई। डिटेल बताते जाइए शिंदरपाल जी, क्या डिटेल है जी? कुलवीर भाई तीसरे ब्याह में ब्याही है। कब की ब्याही है जी? आज 2 बजे ब्याही है रात को जी। अच्छा, रात 2 बजे की ब्याही है। हाँ जी, बछड़ी को जन्म दिया है। ये जेर गिरा दी भाई? हाँ जी, मेल वगैरह गिरा दी है। हाँ जी, और बच्चा दिया बछड़ी। बछड़ी अब ये दूसरे ब्याह में ब्याही है। अच्छा जी, राठी गाय है, पीछे बछड़ा है जी। राठी ब्रीड में और दूसरे ब्यांत में कब की ब्याही है जी? ये 3 दिन की ब्याही होगी भाई साहब। 3 दिन की ब्याही होगी और बच्चा दिया बछड़ा। बछड़ा जी। दूध कितने वाली है भाई? दूध भाई साहब इसका 5-5 लीटर खीस निकाल रहे हैं जी। दूध दे देगी ये 12-13 लीटर जी। अच्छा जी, दूध देगी ये 15 किलो 15 लीटर। दूसरे ब्यांत में ब्याहेगी, बच्चा देने वाली है। अच्छा, अभी ब्याहने वाली है? ब्याहने वाली। कितना समय लेगी जी? ये ले लेगी 10 दिन ले लेगी। 10 दिन जी। दूध दे देगी 15 लीटर बिल्कुल, ये क्रॉस ब्रीड में ये 15 लीटर दूध देगी। अच्छा जी, हाँ जी। क्या दाम कर रहे हो भाई? दाम सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना कुलवीर सिंह स्वागत करता हूं जी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हर दिन की तरह आज फिर से एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुए हैं जी। और आज की वीडियो के लिए फिर से अपनी विजिट छिंदरपाल जी के घर की है जी। गाँव कमीनपुरा, तहसील श्री करणपुर और ज़िला श्री गंगानगर, राजस्थान का ये एरिया जी। बहुत वीडियोस आप लोग इस गांव से अपने चैनल पर रूटीन में देखते रहते हो। हर बार की तरह आज फिर से जो 7 गाय आप लोग देसी ब्रीड की गाय आप लोग सामने देख रहे हो, सभी की सभी सेल के लिए अवेलेबल भाई सब के पास हैं। कुछ गाय ब्याही हुई, कुछ ब्याहने वाली हैं। रूटीन में पहले भी वीडियोज़ में आप लोग भाई सब को देखते रहते हो अपने चैनल पर। आगे की जो बातचीत है वो प्रॉपर डिटेल जानकारी भाई सब के साथ करते हैं और प्रॉपर डिटेल इन सभी गायों की आगे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। कैसे हो भाई साहब? ठीक, बढ़िया भाई। बढ़िया जी। हाँ जी। और काम काज, घर परिवार कैसा है जी? बस मेयर है जी। बहुत अच्छी बात है जी। तो भाई वीडियो में आज बातचीत पहली बार कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इससे पहले क्या है, केवल जी की वीडियोज में आप आते ही रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। केवल जी के भाई हो आप? भाई है जी। चलो अच्छी बात है जी। तो भाई आगे की बातें शुरू करने से पहले एक बार यहाँ का जो अपना प्रॉपर एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भाई बता दीजिए। मेरा नाम छिंदरपाल जी। हाँ जी। गांव कमीनपुरा, जिला श्री गंगानगर, स्टेट राजस्थान जी। सही है जी। मेरा मोबाइल नंबर 9927386816 जी। ओके जी। तो भाई बेसिक से स्टार्ट करूंगा जी, कितने टाइम से आप व्यापार का काम कर रहे हो? सर जी पहले मैं HF का करता था जी। अच्छा जी। HF सर जी बीमारी बहुत पकड़ती थी। हाँ जी। इसलिए मैंने HF का छोड़ के देसी गाय का काम शुरू करना चाहता। अच्छा जी, कितने समय से देसी गाय का, कब से कर रहे हो जी? ये लगभग 6-7 महीने से कर रहा हूँ जी। 6-7 महीने। हाँ जी। चलो बढ़िया बात है जी, काम करना चाहिए कोई भी है। चलो हाँ जी, है हाँ तो गाय। हाँ जी। जैसी किसी भाई की इच्छा, जैसे दिल को संतुष्टि है ना जी। हाँ जी, हाँ जी। तो जितनी की गाय आज दिखा रहे हैं 7 गाय है जैसे। हाँ जी, हाँ जी। ये इतनी की रहती है या कम ज्यादा हो जाती है जी? 10 गाय रहती है, कुछ अंदर खड़ी है, वो सेल हुई है। हाँ, अंदर 3-4 गाय रुकी हुई है ना जी। तो 10 के आजू बाजू में रहती है। हाँ जी। और आज जैसे 7 गाय, तो पहले नंबर पर तो ब्रीड कौन कौन सी देखने को मिलेगी? जी राठी, साहिवाल और थार पार्कर, 3 ब्रीड मिलेगी। हाँ। और कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दूध कितना रहने वाला है जी आज? कम से कम जी 13 लीटर और ज्यादा से ज्यादा 20 लीटर जी। 13 लीटर से स्टार्टिंग और 20 लीटर तक ज्यादा से ज्यादा। हाँ। सही है जी। तो दाम कम से कम कितना रहने वाला है जी? कम से कम जी 38,000 और ज्यादा से ज्यादा 62,000 जी। 62,000 तक जाएगा ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी। 38,000 38,000 से स्टार्टिंग हो जाएगा। स्टार्टिंग। सही है जी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सुविधा जैसे किसी भाई की इच्छा रहती है। हाँ जी, हाँ जी। चलो अच्छी बात है जी। तो फिर एक एक करके गाय चलाते हैं जी साथ की साथ, साथ में बातचीत करते हैं। ठीक है। हाँ जी दोस्तों, बातचीत काफ़ी होगी जी, इससे आगे गाय आप लोगों को चलाकर दिखाएंगे। और पहली गाय आप लोगों के सामने आ चुकी है जी। क्वालिटी, रंग रूप, बॉडी स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने, काफ़ी भारी भरकम वजन वाली मीडियम हाइट की गाय है जी। जितना का गाय का ऊपर से बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, उसी हिसाब से गाय का अडर भी काफ़ी अच्छा खासा है। मिल्क वेन काफ़ी अच्छी दिखा रही है, रंग रूप प्यारा है भाई। डिटेल बताते जाइए शिंदरपाल जी, क्या डिटेल है जी? कुलवीर भाई तीसरे ब्याह में ब्याही है। कब की ब्याही है जी? आज 2 बजे ब्याही है रात को जी। अच्छा, रात 2 बजे की ब्याही है। हाँ जी, बछड़ी को जन्म दिया है। ये जेर गिरा दी भाई? हाँ जी, मेल वगैरह गिरा दी है। हाँ जी, हाँ जी। और बच्चा दिया बछड़ी? बछड़ी जी। सही है जी। हाँ जी। और तीसरे ब्याह में? तीसरे ब्याह में ब्याही है जी। दूध कितने का वाली है जी? सर ये दूध दे देगी 20 लीटर। अच्छा जी। हाँ जी, आज सुबह खीस निकाला इसका 4 लीटर के आजू बाजू में निकाला गया। हाँ जी। और
दाम क्या कर रहे हो भाई? सर जी 62,000 रुपये इसका जी। 62,000, सबसे ज़्यादा दूध भी इसी का और सबसे ज़्यादा दाम भी इसी का, सही है जी? हाँ जी। और ब्रीड की बात करूँ तो भाई क्या मानते हो, कौन सी ब्रीड में पड़ती है? साहिवाल में है जी। साहिवाल में पड़ती है, लेकिन एडर वगैरह तो काफ़ी अच्छा दिखा रही है। बच्चा कौन सा भाई इसका? बछड़ी है जी, ये सामने खड़ी जी। ये वाली बछड़ी है दोस्तों, जो अभी आप लोगों के सामने दिख रही है। हाँ जी, सही है जी। ओके जी, 62,000 दाम रखा गया दोस्तों। मान सम्मान कुछ ना कुछ उसमें से कर दिया जाएगा। गाय आप लोगों के सामने ले आइए भाई, बांधिए जी। इसे आगे दूसरी गाय ले आइए, इसे आगे दूसरे नंबर पर दोस्तों। एक और ये गाय आप लोगों के सामने आ चुकी है जी। पहले रंग रूप देखिए और कद काठ देखिए, दिखने परखने में काफ़ी खूबसूरत प्यारी ये गाय है। आर्डर भी काफ़ी अच्छा खासा सामने दिखा रही है। आँचलों का साइज, गैप, सब कुछ बहुत अच्छा है। छिंदरपाल जी डिटेल बताते जाइए भाई, क्या डिटेल है जी इसकी? भाई साहब ये दूसरे ब्याह में ब्याही है। अच्छा जी, राठी गाय है, पीछे बछड़ा है जी। राठी ब्रीड में और दूसरे ब्याह में कब की ब्याही है जी? ये 3 दिन की ब्याही होगी भाई साहब। 3 दिन की ब्याही होगी और बच्चा दिया बछड़ा। बछड़ा जी। दूध कितने वाली है भाई? दूध भाई साहब इसका 5-5 लीटर खीस निकाल रहे हैं जी। दूध दे देगी ये 12-13 लीटर जी। 12-13 लीटर। हाँ जी, दिखने परखने में तो काफी खूबसूरत है ना जी। हाँ जी हाँ जी, पतली चमड़ी की गाय है जी। हाँ, और दूध भी 11-12 लीटर तक तो आप जैसे बता ही रहे हो निकालना भी चाहिए, है ना? हाँ जी हाँ जी। ले आइए भाई, थोड़ा आगे को चलाते रहिए जी। और क्या दाम करे हो जी इसका? इसका 42,000 रुपये जी। 42,000, 42,000 दाम है दोस्तों। मान सम्मान मौके पर कर दिया जाएगा कुछ ना कुछ जो भाई खरीदना चाहता है। भाई साइड को कर लो थोड़ा सा ना, फिर अच्छे तरीके से ऑर्डर वगैरह दिख जाएगा इसका। गाय दोस्तों आप लोगों के सामने, नई जगह पर ना थोड़ा सा चलने फिरने का, जैसे मोरा डाला जाता है उससे भी गाय कभी कभार दिक्कत मानती है, क्योंकि घरों से जैसे आती हैं तो नॉर्मल सांकल वगैरह गल में डाला होता है तो उसी कारण हो जाता है ये। 42,000 दाम, ले जाइए भाई, बांधिए। इसे आगे तीसरी गाय ले आइए जी। इसे आगे तीसरे नंबर पर दोस्तों एक और मीडियम हाइट की गाय आप लोगों के सामने आ गई है जी। रंग रूप भी देखते जाइए, ताजी बिल्कुल ब्याही हुई है। अडर की तरफ से बहुत साफ सुथरी है जी। आँचलों का साइज, गैप एक दूसरे में जो दूरी है, बहुत शानदार है। और शिंदरपाल जी डिटेल बताते जाइए भाई। कुलवीर भाई ये 9-10 दिन की ब्याही होगी जी। 9-10 दिन की। हाँ जी, पीछे बछड़ी है जी। बछड़ी पीछे कौन से ब्यांत में ब्याही है? तीसरे ब्यांत में ब्याही है। तीसरे ब्यांत में, और बछड़ी ये वाली बछड़ी सामने। हाँ जी, ये खड़ी जी। और दूध क्षमता कितने वाली है भाई? दूध क्षमता दे देगी भाई साहब ये 13-14 लीटर है। 13-14 लीटर दोनों समय। और क्या दाम करे हो जी इसका? भाई 35,000 रुपये जी। 35,000, 35,000 दाम। और दूध कितना बता रहे थे? 14-15 लीटर। हाँ जी हाँ जी, 14-15। गारंटी वाला देगी क्या? हाँ जी, गारंटी वाला देगी। कुलवीर भाई ये तीसरे ब्यांत में, इसलिए कम रेट में दे रहे हैं। अगर दूसरे ब्यांत में होती है इसका रेट भी ज्यादा होता जी, थोड़ा अच्छा सा रंग की वजह से कुछ। सही है जी, बाकी थोड़ा सा कलर भी डिफरेंस है। हाँ जी, इसका है ना जी। ले जाइए केवल जी, बांधिए। इससे आगे चौथी गाय ले आइए जी। इससे आगे चौथे नंबर पर दोस्तों एक और ये बछड़ी बोलूंगा मैं इसे, आप लोगों के सामने आ चुकी है जी। पहले क्वालिटी, रंग रूप, दिखने परखने में कितनी खूबसूरत है जी, वो आप लोग देखते जाइए। आगे की जो बातचीत है वो केवल जी करेंगे वीडियो में। केवल जी, बातचीत डिटेल इसकी थोड़ा सा बताते जाइए भाई, क्या डिटेल है जी? कुलवीर भाई सबसे पहले तो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। और कैसे ठीक है जी? बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। घर परिवार बढ़िया जी? बढ़िया जी, बढ़िया। अच्छी, मैं थोड़ा बाहर गया था काम की वजह से। हाँ जी। तो भाई को बोला मैं, चलो आप थोड़ा सा आज इंटरव्यू दो। सही है जी, चलती वीडियो के दरमियान वो भाइयों ने देख लिया जब आप आए। हाँ जी हाँ जी। तो केवल जी क्या डिटेल है जी? साहब ये मुँह से दांत बछड़ी है। मुँह से दांत, खीरी दूध के दांत है जी। हाँ, दूध के दांत है जी। हाँ जी। और अभी 25 दिन बाकी है इसके बच्चा देने में। 25 दिन पड़े हुए हैं। हाँ जी, ब्याने के लिए। जो ब्रीड की बात करें उसका राठी है जी। अच्छा, राठी में है। हाँ जी। और 8 महीने की ग्याबिन चेक पास क्लियर? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगला अपने से लेगा ना तो पहले आप गाड़ी से उतरते समय इसको टेस्टिंग करवाए। सही है। फिर अपनी पेमेंट करे। बहुत अच्छी। और इसकी पहले बस जो कुछ 2-4 यार्ड टोकन मनी करके अपने घर पे मंगवा ले। हाँ जी। बाकी अगला प्रेगनेंट जांच करवा के फिर अपने को पैसा डाले जी। बहुत गाड़ी की तरफ से मैं। और केवल जी कितना दूध मानते हो भाई, कितना देगी? दे देगी पहले ब्यांत में 12 लीटर दे तो बहुत है जी। अच्छी बात है। और क्या दाम करे हो भाई इसका? दाम इसका 38,000 है जी। 38,000, 38,000। ओके जी, ले जाइए भाई, बांधिए जी। इससे आगे पांचवी गाय ले आइए। इससे आगे पांचवें नंबर पर दोस्तों एक और ये गाय आप लोगों के सामने आ गई जी। रंग रूप देख लीजिए और केवल जी डिटेल बताते जाइए। कुलवीर भाई दूसरी बार बच्चे को जन्म देगी ये? दूसरे बार में ब्याने वाली है। हाँ जी, बस कोई 1-2 दिन 4 दिन ले ले। अच्छा जी, इतना दो चार दिन, चार दिन लास्ट। हाँ जी, ब्रीड कौन सी है? राठी में है जी। राठी में। हाँ जी, हैवी मीडी दोनों सिंग इसके हिलते हैं जी। अच्छा। हाँ जी, चलो बढ़िया बात है जी।
और दूध कितना के दे देगी? दूध दे देगी साहब 14 लीटर दे देगी पहले बैंत में, दूसरे बैंत में 14, पहले बैंत में 12 लीटर दिए हुए इसने। अच्छा, इस बार 14 दे देगी। बाकी हाइट वजन के हिसाब से अपने गाय दिख रही है जी, गाय तो अच्छी है, दिखने में अच्छी है। और केवल जी क्या दाम करे भाई इसका? दाम करेंगे इसका जी 35,000। 35,000, 35,000 दोस्तों दाम रखा गया। जैसी क्वालिटी वैसे दाम। केवल जी के घर पर जो भी चीज़ बताई जाती है ना जी, हर बार पहले भी आप लोगों ने वीडियोस देखी है, गारंटी शुदा ही काम करते हैं। बिल्कुल, कोई ऐसी वैसी बात नहीं। कोई भाई अगर ज़्यादा गारंटी चाहता है ना, तो स्टाम्प पेपर पर भी लिखकर गारंटी दे दी जाती है। यहाँ पर ले जाइए भाई, बांधिए जी। इससे आगे छठे नंबर पर एक और गाय लेकर आइए जी। इससे आगे छठे नंबर पर दोस्तों एक और ये गाय आप लोगों के सामने आ गई जी। कद काठ भी बहुत अच्छा है और रंग रूप भी इसका बहुत प्यारा है जी। रुकने का स्टाइल काफ़ी अच्छा आप लोगों के सामने, अडर की शेप देख सकते हो, अकेला अकेला आंचल पड़ा हुआ है। चलाइए भाई, थोड़ा थोड़ा चलाते रहिए। केवल जी डिटेल बता दीजिए, क्या डिटेल? क्लियर भाई, इसको 6 दिन हो गया बच्चा दिया, बछड़ी को जन्म दिया जी। 6 दिन की ब्याई होगी और बच्चा दिया बछड़ी। बछड़ी है जी। केवल जी रंग रूप में तो बहुत, और ये क्रॉस ब्रीड में साहब। सही है जी, हाँ जी, क्रॉस ब्रीड में, थार पार्कर में क्रॉस है ये। सही है जी, हाँ जी। और कितने की दूध क्षमता वाली है भाई ये साहब? क्रॉस ब्रीड की गाय दे देगी 18-19 लीटर दूध दे देगी। दे देगी आराम, हाँ जी, है ना। अभी 16 लीटर तो दे रही है जी। अच्छा जी, 16 लीटर तो खींच दे रही है। कोई भाई निकालना चाहे तो निकाल कर खरीद सकते? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है जी, हाँ जी। क्रॉस ब्रीड के इसलिए दे रही है, दूसरी इतनी इतना दूध देती है। क्या दाम करे हो जी? दाम इसका 47,000 लेना है। 47,000, 47,000 दाम रखा गया। सब आप की तरफ से बात करें तो बिल्कुल जी, बिल्कुल, चाहे लेडीज दूध निकाले चाहे जेंट्स निकाले, कोई दिक्कत वाली बिल्कुल बात जी, बिल्कुल। अगला आके दूध निकाल के, चाहे किसी ने वीडियो कॉल पे लेनी है, वीडियो कॉल पे दूध निकाल के देखे। सही, जो बंदा बोलेगा कि लेडीज दूध निकालना, वो इसका लेडीज निकाल देगी। हाँ जी, जेंट्स का बोलेगा तो जेंट्स निकाल के दिखा देगा। सही है, ले जाइए भाई, बांधिए। इससे आगे अंत में जो अपनी 7वीं गाय रहेगी जी, वो ले जाइए। इससे आगे अंत में दोस्तों 7वीं गाय आप लोगों के सामने आ गई। मीडियम हाइट में, दिखने परखने में बहुत खूबसूरत गाय है जी। फिट बॉडी और फिटी अडर की शेप है इसकी। चलाते रहिए भाई, केवल जी डिटेल बता दीजिए। क्लीवर भाई, ये भी क्रॉस ब्रीड में आई। अच्छा जी, दूध देगी ये 15 किलो, 15 लीटर, दूसरे ब्यांत में ब्याएगी, बच्चा देने वाली है। अच्छा, अभी ब्याने वाली है, ब्याने वाली। कितना समय लेगी जी? ये ले लेगी 10 दिन ले लेगी। 10 दिन जी, दूध दे देगी 15 लीटर। बिल्कुल, ये क्रॉस ब्रीड में ये 15 लीटर दूध देगी। अच्छा जी, हाँ जी। क्या दाम कर रहे हो भाई? दाम इसका ही 38,000 है। 38,000, हाँ जी, 38,000 दाम रखा गया। और मान सम्मान जो बनी बात है वो मौके पर, वो मौके पे 1,500। ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए दरवाजे खुले हैं, जो भाई जैसे खरीदना चाहे वैसे खरीद सकता है। सही है जी। तो केवल जी ये होगी आज वाली गायों की डिटेल, सात की सात गाय चला कर दिखा दी। सही है जी, गायें तो कलवीर भाई 8 थी। हाँ जी। अभी आपके आते ही बस आपका हमारे घर पे चरण स्पर्श हुए। अच्छा जी। तो आती है गाय सेल होगी महाराष्ट्र। केवल जी ना, ये चीज ना, चलो भगवान ने जैसा किया वो बढ़िया किया है ना जी। हाँ जी, गाय लेकर आते हैं बेचने, हाँ के लिए लेकर आते हैं। इससे पहले भी काफी भाइयों के द्वारा ना मेरे को ये बात सुनने को मिलती है कि भाई जैसे आप घर पर आए गाय सेल हो गई। अभी 5,000 टोकन मनी उनका आया, ये महाराष्ट्र दी है जलगाम। बड़ी बात है जी। गाय भी दिखा रहा हूं इस तरफ आ जाइए जी। आप ना थोड़ा सा अंधेरा आपके चेहरे पर पड़ रहा है जी, दिख नहीं रहे अच्छे तरीके से। रूटीन में वीडियोस वैसे आती रहती हैं जी। कस्टमर आज के दिनों में ज्यादा कहाँ कहाँ से आते हैं? सभी जगह से आ रहे हैं, सभी जगह, ज्यादा तो महाराष्ट्र चल रहा है। अच्छी बात है, ये गाय दी है, ये गाय भी आप लोग आपके आते ब्रीडिंग वाली गाय दी है साहब। सही है जी, गल कम्बल हम्प साइज, हाँ जी, नाभी की बात करें, फेस क्वालिटी की बात करें, काफी खूबसूरत ब्रीडिंग वाली गाय दी है। 85,000 की दी है ये उनको। कितने दूध क्षमता वाली और कौन से ब्यांत वाली है जी? ये तीसरा ब्यांत था इसका। 85,000 की गाय दी है। कितना समय पेंडिंग है जी अभी? 25 दिन बाकी है इसके। 25 दिन, बिल्कुल जी। और 85,000, 85,000 की दी है। हाँ जी, हाँ जी, ले जाइए महाराष्ट्र जलगाम सेल की। सही है जी। तो केवल जी आज के दिनों में कस्टमर सभी जगह से आ रहे हैं, क्योंकि मौसम बढ़िया हो गया मेरे हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी, है ना जी। कोई ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है जी। तो उसमें बढ़िया बात है, जो खरीदना चाहता है भाई तो गाय भी आसानी से घर पर पहुंच। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। बाकी जो कोई और भाई आना चाहता तो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे किसी की वो तो अगले की इच्छा जी। पहली बात तो क्लियर भाई, आके ले जाए, उसकी ऐसी तो बात ही नहीं है। हाँ जी, ठीक है। अंत में फोन नंबर और एड्रेस यहाँ का एक बार रिपीट कर दीजिए। मेरा गांव कमीनपुरा जी, जिला श्री गंगानगर, तहसील करनपुर और स्टेट राजस्थान जी। फोन नंबर जी? मोबाइल नंबर 99830-26830। ओके। दूसरा नंबर है 99287-36816 जी। ओके जी, धन्यवाद। दोनों पे व्हाट्सएप है, दोनों पे कॉलिंग है जी। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा बातचीत। धन्यवाद जी।